खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी पर ऐसा बयान दिया कि सियासत गर्म हो गई। तिलमिलाई कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी कोटे के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है, तो वहीं सहयोगी जेडीयू भी नसीहत दे रहा है। आखिर विनोद के बयान पर क्यों मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है, इसके अतिरिक्त और की कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूटी बयान और सियासी बवाल, प्रियंका पर मंत्री की टिप्पणी से घमासान, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा, जेडीयू की नसीहत। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी महाभारत ही छिड़ गया। अब इसे बेतुका नहीं तो और क्या कहेंगे कि प्रदेश का एक मंत्री किसी महिला की सुंदरता की बात करे और उसे सियासी चश्मे से देखने की कोशिश करे। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है, और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। प्रियंका गांधी तो एक जमीन घोटाले में भ्रष्ट रॉबर्ट बधेड़ा की पत्नी है। मंत्री विनोद नारायण झा की टिप्पणी से भड़की कांग्रेस ने ऐसे बयान को बीजेपी की कुंठित सोच बताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। विनोद नारायण जैसे लोग अगर बिहार में घूमेंगे निकलेंगे तो मुझे लगता है नीतीश कुमार उन्हें या तो मंत्रिमंडल से बाहर करें या उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करें। कार्यकर्ताओं के और आम लोगों के भी आक्रोश का सामना ऐसे गंदे सोच के लोगों को करना पड़ सकता है। आरजेडी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया और मंत्री को हटाने की मांग की, जबकि हम नेता जीतन राम मांझी ने भी विनोद नारायण झा के बयान पर तीखा हमला किया। नीतीश कुमार बर्खास्त करे उस मंत्री को, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, खराब बयान, इसलिए उनको बर्खास्त करे, नहीं तो फिर झंझट आगे जाते बढ़ेगा। तो वहीं मंत्री विनोद नारायण झा के विवादित बयान के बाद महागठबंधन की महिला नेताओं ने भी आक्रोश जताया। भगवान ने प्रियंका गांधी जी को सुंदर और स्मार्ट बनाया है, अब विनोद नारायण झा जी को अपना चेहरा सुंदर नहीं लगता है तो इसमें तो भगवान की देन है, लेकिन ये सब बेतुकी बातें हैं। खून खोल जाता है इस तरह का टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी महिला के ऊपर सुनकर। बच के रहे अपने लोगों से, आपके अंदर के जो विधायक हैं वही महिला विरोधी हैं। विरोधी तो विरोधी, सहयोगी जेडीयू भी मंत्री विनोद नारायण झा को नसीहत देते हुए ऐसे बयानबाजी से पहले शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दे डाली। हमको लगता है कि ये बयान उचित नहीं है। किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। ये महज इत्तेफाक नहीं कि प्रियंका की दो दिन पहले हुई सियासी एंट्री के बाद से ही सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन मंत्री विनोद नारायण झा के प्रियंका पर बेतुका बयान दिए जाने पर बीजेपी घिर चुकी है। सियासत अपनी जगह, लेकिन मर्यादा और शालीनता की भी कोई सीमा होती है साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।